For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करते हैं, और साथ साथ जो लिवर से रिलेटेड जो डिजीज हैं, जो जिगर से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको ट्रीट करते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं। एक तो क्योंकि खाने पीने की अशा जो हैं उनके अंदर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, और लोग भी बाज़ औक़ात इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके साथ में हाजमे के प्रॉब्लम मुख्तलिफ़ किस्म के आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट्स का जो लूज़ मोशनस हैं, डायरिया है, वही सेटल नहीं हो पा रहा होता, और उनको तेज़ाबियत की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में है और वो हेपेटाइटिस का इशू है। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो तो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि, और उसके साथ में वो ऐसी बीमारी है कि वो साल हर साल चलती रहती है, और पेशेंट को उसकी किसी किस्म की अलामत भी बाज़ औक़ात नहीं आती, और जब जिगर बिल्कुल ख़राब हो जाए तो तब जाके पता लगता है कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा था। और जो दूसरे जो प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन जो खाने पीने से रिलेटेड हैं, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई का इशू है, जो कि असल में यरकान के साथ प्रेजेंट करते हैं, यरकान के साथ मरीज़ हमारे पास आता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत थोड़ी परसेंटेज होती है पेशेंट्स की जो एक्चुअली यरकान के साथ आते हैं, या उनकी आँखें पीली होती हैं। तो बेसिकली ये हेपेटाइटिस ए और ई का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आमतौर पे एक तो मरीज़ को देखने से, उसके साथ बात करने से बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल टूल्स हैं जिनके साथ में बीमारियों के बारे में तशखीस हो सकती है। उसमें जो लेबॉर्ट्री की जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, उसके अलावा एक फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल होती है वो एंडोस्कोपी की है। एंडोस्कोपी बेसिकली एक नई किस्म का एक फैसिलिटी है जिसमें कैमरा होता है जो हम एनेस्थीजिया देने के बाद, एनेस्थीजिया भी लोकल एनेस्थीजिया जिससे गला सुन हो जाए, हम मुंह के रास्ते खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत, तो उसमें कैमरा डाल के देखते हैं कि असल में अंदर प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं स्टमक के। और ये 2 से 3 मिनट का टेस्ट होता है। लोगों ने इसके बारे में बहुत र्यूमर्स फैलाई होती हैं, अफवाहें होती हैं कि जी ये बहुत तकलीफ़ दह टेस्ट होता है। 2 से 3 मिनट में ये टेस्ट कम्प्लीट हो जाता है। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई टांका नहीं लगता। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट को लूज़ मोशंस आ रहे हैं और उसका पखाने के साथ ब्लीडिंग आ रही है या कुछ ऐसा मामला हो रहा है, तो हम पखाने वाली जगह से कैमरा डाल के बड़ी आंत का भी मुआयना कर सकते हैं कि वो है क्या। तो बेसिकली ये हमारी डोमेन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, और इसके साथ में तशखीस प्रॉपर हो के उसके बाद फिर हम इसका इलाज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आमतौर पे पेशेंट्स ये करते हैं कि उनको जब स्टमक का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होती है या बदहजमी की शिकायत होती है, कुछ दिन के लिए खुद ही दवाई ली, करीब के किसी डॉक्टर से दवाई ली, 2-3 दिन दवाई खाई, उसके बाद ठीक हो गए, तो फिर उसके बाद दवाई को छोड़ देते हैं, और ये साइकिल फिर चलता रहता है। दवाई छोड़ते हैं, प्रॉब्लम्स दोबारा डेवलप होते हैं, फिर दोबारा दवाई खाई, कुछ दिन खाई, फिर छोड़ दी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम ऐसा ना किया जाए। कोई एक जो क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसके पास जाया जाए, एक तो ये कि बीमारी की तशखीस हो, और उसके बाद फिर दवाई को जिस तरह से प्रॉपर तरीके से जितने अरसे के लिए खाना चाहिए और जिस तरह से उस दवाई को छोड़ना चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके, और फिर ताकि वो बीमारी जो है वो दोबारा ना हो सके। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो आप मरहम की ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे रابطہ कर सकते हैं।